कैसे हो मेरे दोस्तों, ये मैच होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि ये एक इंडो लॉबी सर्वर है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मीरामार में आप कैसे टिप यूज़ करके किसी भी मैच को आराम से जीत सकते हो, चाहे वो इंडो लॉबी ही क्यों ना हो। हम लोग उतरे थे कसिनो में और एक बंदा था हमारे साथ, तो मेरे एक नंबर टीममेट ने उसे मार दिया। यहाँ पे मैं और एक नंबर साथ में खेल रहे हैं, बाकी दो रैंडम है। तो मैं अपनी लूट पूरी कर आगे बढ़ता हूँ। वॉच आउट, इस बिल्डिंग पर चढ़ने से पहले आप खिड़कियों पर जरूर एक बार नजर डाल दीजिए। मेरे टीममेट आकर मुझे रिवाइव दे देते हैं, फिर हम लोग को पता चलता है कि इस बिल्डिंग में बस एक ही बंदा बाकी है, तो हम लोग उस पर रश कर देते हैं। Enemies ahead. इसके बाद हम लोग रश करते हैं मेन बिल्डिंग पे, जहां पे पूरी एक स्क्वाड है। यहां मैं पहले बंदों का पता करता हूं वो है कहां पर। मुझे एक बंदा दिखता है लेकिन उसे कोई बंदा कवर दे रहा है, इसलिए मैं वेट करता हूं दूसरे बंदे के जाने का, फिर उसे मारता हूं। रिकार्डो पूला खाली करने के बाद हम लोग बंदे खोजने चल पड़ते हैं, क्योंकि मुझे रश खेलना ही पसंद है। मार्क द लोकेशन, एक बंदा उस ड्रॉप के पीछे कैंप कर। इसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं सैन मार्टिन की ओर, जहाँ पे दो टीम आपस में लड़ रही थी और जोन भी आ चुका था, तो एक स्क्वाड वहाँ पे निकल पड़ा, तो हम उसका पीछा करने लगे। Get to the safe zone ASAP. Watch out. No. Get to the safe zone ASAP. इसके बाद हम लोग सर्कल का सेंटर पकड़ने की ओर जाते हैं और वहां पे एक टीम मिलती है हमें। Marked a location.
मेरा टीममेट क्लोज रेंज जा रहा है तो मैं उसे पीछे से कवर दे रहा हूँ। वॉच आउट। एक बंदा कहीं दूर से यूएमपी से मार रहा होता है, जो मैं स्पॉट कर लेता हूँ वो पहाड़ के ऊपर बैठा होता है। वॉच आउट, वॉच आउट। अब इसके बाद बस बचता है एक लास्ट बंदा जो हम लोग खोजने लग जाते हैं और उसे मार लेते हैं। अगर आपको गेम प्ले पसंद आया और ऐसे ही रश गेम प्ले के बारे में आप जानना चाहते हैं टिप एंड ट्रिक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। रश गेम प्ले करना इतना ईजी तरीके से बताऊँगा, आप एक हफ्ते में रश गेम प्ले का मास्टर बन जाइएगा।